तो दोस्तों दूसरा दिन और रोहित आ चुके हैं भर्ती कराने के लिए। तो दोस्तों होटल से चेकआउट नहीं किया, अभी शाम को करेंगे और आज आपको बताएंगे हम छतरपुर के बारे में कि महाराजा छत्रसाल जी की नगरी है, तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आपको आज। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज मंगलवार है और हम श्री मोटे के महावीर मंदिर पहुंच चुके हैं। तो रोहित ले आए, रोहित बोले आज मंगलवार है तो थोड़ा मंदिर बोला, मैंने कहा जरूरी है, मंदिर तो हर किसी को जाना चाहिए, हिंदुओं को मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, तो जाना ही चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मंदिर है, चलो अपन अंदर चलते हैं। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर ले आया हूँ आपको और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लोग कथा करा रहे हैं, महावीर जी के दर्शन। दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं महाराजा छत्रसाल जी की प्रतिमा। महाराजा छत्रसाल जी के नाम से छतरपुर को नाम मिला है। ये भारत के मध्ययुग के एक महान प्रतापी योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया और महाराज की पदवी प्राप्त की। छत्रसाल बुंदेला जी का जीवन मुगलों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के स्थापित करने में निकला। बुंदेलखंड केसरी के लिए कुछ पंक्तियाँ भी कही जाती हैं। इति यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस छत्रसाल सो लरन की रही न काऊ हौस। Few moments later. और मैंने आपको बताया था ICH आ गया है यहाँ पर, तो आज हम खाना खाने ICH में आए हैं, इंडियन कैफे हाउस। तो दोस्तों चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैं छतरपुर के ICH में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं खाली है अभी, तो एक भैया बैठे डोसा खा रहे हैं। तो दोस्तों बैठते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों अब की बार मैं आपको ग्वालियर में चलूँगा, ग्वालियर का ICH अच्छा बना, छतरपुर का भी अच्छा बना, बहुत शानदार, बहुत स्पेस है पर खाली है, अभी कोई है नहीं है। चलो बैठते हैं, देखते हैं क्या है। A few moments later. तो ICH का डोसा तो बहुत वैसे भी मशहूर है और बड़ा भी रहता है, टेस्टी भी रहता है। आ गया है हमारा डोसा, बहुत फास्ट सर्विस है, सब जगह की नहीं होती, सारे ICH की ऐसी नहीं रहती। तो रोहित शुरू करेंगे अब, और रोहित का ICH के साथ पहला एक्सपीरियंस है या पहले भी आ चुके हो? नहीं, फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया, तो रोहित का पहला एक्सपीरियंस है ICH के साथ में। तो रोहित आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है जो नॉर्मल यहाँ का डोसा रहता है वहाँ से और यहाँ में। एक नंबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि रोहित कह रहे हैं एक नंबर है, तो वास्तव में एक नंबर है। आप जब भी मौका लगे तो ICH में जरूर जाएं और डोसा खाएं, मुझे भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ICH मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों लंच हो चुका है और हम चलने वाले हैं, यहाँ से निकलेंगे वर्किंग पे, क्योंकि अभी काम बचा है थोड़ा सा, और करीब 5 बजे तक फ्री होगी, फिर हम निकलेंगे सागर 5:30 तक। तो दोस्तों तब तक आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए। 3 hours later. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड और यहां से हमारी जर्नी चालू होगी छतरपुर से सागर। तो दोस्तों अब हम यहां से सागर निकलेंगे और करीब रात को 9:30 बजे पहुंचेंगे
और हम और डीएस दोनों लोग मिलके बढ़िया मस्ती काटते हुए भी जाएंगे। और सागर पहुंच के फिर मैं आपको बताऊंगा। तिवारी जी को बोल दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार, तिवारी जी व्यवस्था कर देते हैं तो होटल अपना तैयार है वहाँ पे। तो दोस्तों मिलते हैं हम बीच में, अगर कुछ लगेगा तो मैं मिलाऊंगा आपको। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। 6 hours later. तो दोस्तों गुड इवनिंग, हम पहुंच चुके हैं सागर और अपने होटल। आप देख सकते हैं सागर साथ में, तिवारी जी साथ में। बहुत दिनों बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि हमको भैया भी मिल गए। तो गोल्डी भैया बैठे हुए हैं साथ में, आप देख सकते हैं। हम समय ऐसा होता है कि ना गोल्डी भैया देखने को मिल जाए, तो आज मिल गए। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, हम रूम में जा रहे हैं। भैया रूम में जा रहे हो, जयराम जी की शुभ रात्रि हुई है सब लोगों को। तो दोस्तों रूम मिल गया है और हम रूम में पहुंच रहे हैं, अपने रूम में आ गए। आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन लीप पिछली बार की तरह। और रात को हमारे अरविंद राठौर भी आ जाएंगे और शानदार कार्यक्रम।